खुदामंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम रसूलों के अमाल की किताब के तारुफ पर गौर करेंगे। अमाल की किताब, जो कि रसूलों के अमाल भी कहलाती है, अपने मुसन्निफ की कोई खास शनाख्त नहीं कराती। लूका की इंजील के पहले बाब की पहली 4 आयात और अमाल की किताब के पहले बाब की पहली 3 आयात से हम जानते हैं कि एक ही मुसन्निफ ने लूका और अमाल दोनों तहरीर की हैं। कलीसिया के इब्तदाई दिनों से रिवायत यही रही है कि लूका, पौलुस रसूल के एक साथी, ने लूका और अमाल की किताबें लिखी हैं। अमाल की किताब तकरीबन 61 से 64 बाद अज़ मसीह के दरमियान में तहरीर की गई। अमाल की किताब इब्तदाई कलीसिया की एक तारीख मुहैया करने की खातिर लिखी गई थी। किताब का जोर बयां हुक्म आजम की तकमील है। अमाल रसूलों के यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और गिरदोनवा की दुनिया में गवाहान होने को कलम बंद करती है। अमाल की किताब रूहुल कुद्स की नेमत पर रोशनी डालती है, जो हमें कुव्वत देता, रहनुमाई करता, सिखाता है और हमारे सलाहकार के तौर पर हमारी मदद करता है। अमाल की किताब पढ़ते हुए हम खुशखबरी की उस कुदरत से मुनव्वर होते और तकवीयत पाते हैं, जो कि सारी दुनिया में फैलती और जिंदगियों को तब्दील करती है। उस दौर में रसूलों के वसीले से उनके पैगाम की तौसीक करने के लिए बहुत से मोजज़ात सरजद हुए। अमाल की किताब मसीह के साऊद फरमाने और नए अहदनामे के मजमूए के मुकम्मल होने के दरमियान अबूरी वक्त का अहाता करती है और रसूली मोजज़ात खुदा का अपने उन लोगों के वसीले से अपने पैगाम को मोतबर करने का जरिया थे जिन्होंने बाइबल को रकम तराज किया। अमाल की किताब मसीही कलीसिया और यीशु मसीह की खुशखबरी के फैलाव और साथ साथ उसके लिए बढ़ती मुखालफत की तारीख फराहम करती है। अगरचे बहुत से खादमीन यीशु मसीह की खुशखबरी की मुनादी करने और तालीम देने के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन साउल, जो पौलुस भी कहलाता है, सबसे ज्यादा बाअसर हुआ। अपनी तब्दीली से पहले पौलुस बड़े जोश से मसीहियों को इजा पहुंचाता था। पौलुस की दमिश की राह पर अजीबोगरीब तब्दीली अमाल की किताब की एक शह सुर्खी है। अपनी तब्दीली के बाद वो खुदा से मोहब्बत करने और उसके कलाम की खिदमत करने लगा। शागिर्द पाक रूह के वसीले से कुव्वत से मुलब्बस हो गए, ताकि यरूशलेम में, यहूदिया और सामरिया में और जमीन की इंतहा तक उसके गवाह बन सकें। आखिरी हिस्से में पौलुस के 3 मिशनरी सफर, उसके यरूशलेम और कैसरिया में मुकदमात और उसका रोम की तरफ सफर शामिल हैं। अमाल की किताब पुराने अहदनामे से नए की तरफ तब्दीली के तौर पर काम करती है। ये तब्दीली अमाल के कई अहम वाकयात में देखी जाती है। सबसे पहले रूहुल कुद्स की खिदमत में एक तब्दीली आई, जिसका पुराने अहदनामे में बुनियादी काम खुदा के लोगों को मसा करना था, जिनमें मूसा, गुतनियेल, जदाउन और साउल भी शामिल हैं। यीशु के आसमान पर साउद फरमाने के बाद रूहुल कुद्स ईमानदारों के ऐन दिलों में रहने के लिए आ गया और उन्हें अंदर से रहनुमाई और कुव्वत देने लगा। अंदर बसने वाला पाक रूह उन लोगों के लिए खुदा की नेमत है जो ईमान के साथ उसके पास आते हैं। अमाल के नवे बाब में पौलुस की तब्दीली निजात के लिए खुदा की कुदरत की और रूहानी तौर पर अनदेखी चीजों के जाहिर होने की एक हैरत अंगेज मिसाल है। पौलुस ने इकरार किया कि जी उठे निजात दहिंदा से मिलने से पहले वो इसराइलियों में सबसे ज्यादा सरगर्म और शरीयत की बुनियाद पर रास्तबाजी के मुताबिक बेइल्जाम था, यहां तक कि उन लोगों को इजा पहुंचाने तक जा पहुंचा जो फजल के जरिए मसीह में ईमान के वसीले से निजात की तालीम देते थे। लेकिन अपनी तब्दीली के बाद पौलुस ने जान लिया कि उसकी सारी शरई जाबतों की कोशिशें बेकार थीं और उसने कहा, फिलिपियों के खत के 3 बाब की 8-9 आयत में लिखा है, बल्कि मैं अपने खुदामंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊं, न अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। मसीह से मिलने से पहले पौलुस शरीयत की फरीसियाना तशरीह और अपनी रास्तबाजी की एक मगरूर राय के हाथों नाबीना रहा था।
मसीह के मिलने के बाद साउल की आंखों से छिलके गिरे, उसका अपनी नेकी की शेखी मारना उसके यीशु मसीह की सलीब पर फख्र करने से बदल गया। पतरस की नापाक जानवरों से भरी चादर की रोया पुराने अहद से नए अहद की यहूदियों और गैर कौमों के एक आलमगीर कलीसिया में इत्तेहाद की तरफ तब्दीली का एक और निशान है। पतरस की रोया में नापाक जानवर गैर कौमों की अलामत पेश करते हैं, जो कि मसीह की कुर्बानी के वसीले से पाक करार दिए गए। पुराने अहद की शरीयत ने अपना मकसद पूरा कर दिया और यहूदी और गैर कौमें दोनों मसीह की मौत और जी उठने में अपने ईमान के वसीले से नए अहद के फजल में इकट्ठे कर दिए गए हैं। खुदा तमाम लोगों के वसीले से हैरत अंगेज काम करा सकता है जब वो उन्हें अपने रूह से कुवत बख्शता है। अमाल की किताब दिखाती है कि खुदा ने किस तरह से मच्छेरों और आम लोगों के ही गिरोह को लिया और उन्हें इस्तेमाल किया। खुदा ने मसीहियों से नफरत करने वाले एक खूनी शख्स को लिया और उसे तारीख के सबसे बड़े मुबशर में तब्दील कर दिया, जो कि नए अहदनामे की तकरीबन आधी किताबों का मुसन्निफ है। खुदा ने उस ईजा रसानी को इस्तेमाल किया जो मसीहियों ने सही, ताकि तेज रौ कलीसिया के जबरदस्त तेज फैलाव को मुतहरिक करने में मदद दे सके। खुदा हमारे वसीले से ऐसा ही कर सकता और करता है। हमारे दिलों को बदलता है, रूहुल कुद्स के वसीले से हमें कुवत से मुलब्बस करता है और हमें यीशु के वसीले से निजात की खुशखबरी फैलाने का जज्बा देता है। अगर हम दुनिया में खुदा का कलाम अपनी ताकत से करने की कोशिश करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। अमाल दूसरे बाब में शागिर्दों की तरह लाजिम है कि हम वफादारी से खुशखबरी का प्रचार करें, नतायज के लिए खुदा पर भरोसा करें और अपने आप को, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रखें। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डिलीवर्सिस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के जरिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर यह सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333-8020-972-973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।